आज मैं बात करूंगा आपसे एवियन हिप के बारे में। यंग पेशेंट्स को बहुत कॉमनली होने वाली एक प्रॉब्लम है एवियन, यानी कि एवास्टोनेक्रोसिस ऑफ द हिप, जिसमें खून का दौरा हिप बॉल्स के अंदर कम हो जाता है और हिप जॉइंट में पेन हो जाता है। अब कई पेशेंट्स का विचार यह है कि एक्सरे और एमआरआई देख के डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन क्या होना है या हिप रिप्लेसमेंट होना है कि नहीं। आज इस एक्सरे के माध्यम से मैं आपसे ये मिथ को बस्ट करना चाहूंगा। एक्सरेज एमआरआईज डोंट प्ले अ रोल इन टोटल हिप रिप्लेसमेंट के टाइमिंग को डिसाइड करने में, यानी कि आपको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत है या नहीं है वो आप और आपके सिम्टम डिसाइड करते हैं। मिस्टर सिंह मेरे पास आए थे बायलैटरल एवियन, यानी कि दोनों हिप्स में एवियन की प्रॉब्लम लेके आके। इनका एक्सरे देखा जाए तो इनका लेफ्ट वाला हिप जो है राइट वाले हिप से ज्यादा खराब है। मैं बताता हूं कैसे। इसके अंदर देखेंगे तो जो इसकी शेप है हेड की वो काफी इररेगुलर है, यहां ये बिल्कुल स्मूथ है और इनके बीच का जॉइंट स्पेस यहां पे बहुत कम है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है कि इनके राइट हिप में बहुत ज्यादा पेन था और इनका लेफ्ट हिप जो है बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें इतना पेन नहीं है। तो इनका कंफ्यूजन यही था, डॉक्टर साहब जो एक्सरे और एमआरआई में ज्यादा खराब हिप है क्या उसकी सर्जरी होनी चाहिए। अब इसका आंसर बड़ा नो है। आप उसी पैर का सर्जरी कराएंगे जिसमें की प्रॉब्लम आपको दिखती है, जो सिम्टोमेटिक है। अब हर कोई मुझसे ये पूछता है कि डॉक्टर साहब जब ये वाला हिप एक्सरे में बढ़िया दिखता है, एमआरआई में बढ़िया दिखता है, तो इसमें पेन ज्यादा क्यों है। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने आज इनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुका हूं और उनका जो हिप बॉल मैंने निकाली है मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो हिप बॉल है जो कि इनके इस साइड का हिप का सॉकेट में से हमने निकाला है। अब यहां देखेंगे तो ये पूरी स्फेरिकल वॉल है, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है इसमें कोई ज्यादा डैमेज नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं तो जब मैं इसको दबाता हूं तो ये सॉलिड है, ये दबता नहीं है। दिस डज नॉट गेट प्रेस्ड। लेकिन जो एरिया इनका वेट बेयरिंग था उस एरिया में, इतने एरिया में अगर आप आराम से देखें तो ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है, जो एक्सरे में नजर नहीं आता, दूर से नजर नहीं आता। अगर मैं इसकी जो कार्टिलेज की लेयर है इसके अंदर एक छोटा सा आर्टरी डालूं तो ये जैसे हमारी पुरानी टेनिस बॉल के ऊपर से वो कोटिंग निकल जाती थी वैसे ही ये निकल चुका है। और इसी वजह से मिस्टर सिंह को बहुत ज्यादा पेन था, वो चलने फिरने में असमर्थ थे। तो हमने आज ये हिप की सर्जरी करके इनके साथ अच्छा काम किया है, इनको अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, इनका पेन जो है रिलीफ अच्छा होना चाहिए। और होपफुली ये हिप जो एक्सरे में बहुत ज्यादा खराब लग रहा है शायद सालों साल चलेगा, इसमें शायद कभी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टू सम इट अप, एक्सरे एमआरआई से सर्जरी का टाइमिंग कभी डिसाइड नहीं होता। कभी भी स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज फोर, इस पे हम सर्जरी डिसाइड नहीं करते हैं। सर्जरी डिसाइड हम करते हैं आपके सिम्टम्स पे। तो सर्जरी तभी कराएं अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दर्द है, आपकी एक्टिविटीज कम नहीं हो रही है, अगर आपकी एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज सर्जरी से आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग ऑन दिस वीडियो। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। प्लीज गिव अस अ फीडबैक ऑन हाउ यू फेल्ट अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच।